तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और मैं जनपदपुर खवाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और इसे आप तो जान गए होंगे कि हम छोटे शहर से बड़े शहर के बड़े लोगों के सामने आए हैं अपना प्रेजेंट करने। अच्छा, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए बोला कि हम यहाँ पे क्यों नहीं आए स्टैंड अप कॉमेडी करने, क्योंकि घायल हो गए अभी तक ही नहीं, घायल नहीं होंगे पिछले तीन देख कर। अभी भाई आए थे, कहे के गए हैं कि आर्यन जैन आर्यन की फट गई। अरे हमने सोचा घायल तो कर लें दो, जब लोग घायल हो जाएंगे तब मजा आएगा, तब जाके बचाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए नहीं करने आए हैं क्योंकि 300 रुपए देके स्टैंड अप कॉमेडी कौन करने आता है। स्टैंड अप कॉमेडी करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, करने पैसे देकर कोई नहीं करने आता। तो सवाल उठता है क्यों करने आए, सर्टिफिकेट करने या फिर वीडियो लेने। अरे हमें इंट्रोवर्ट और छोटे शहर से दोनों चीजें हमारे यहाँ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम अभी 18 के हो चुके हैं और हमारी 18 साल की जिंदगी की कहानी हमने किसी को नहीं सुनाई। क्यों भाई, छोटे शहर में कोई किसी को सुनाता है? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छोटे शहर में अपने मम्मी पापा या किसी को? और अगर आप इकलौते हैं, कोई है नहीं भाई बहन, तो मजे ही अलग है, कहना ही नहीं। जितना हम अकेलेपन में जिए हैं उतना आप में से एक भी नहीं जिया होगा, बता रहे इतना हम अकेलेपन में जिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि छोटे शहर से होने का मतलब ये होता है अपने डिप्रेशन नहीं होता है, यहाँ बहुत होता है, यहाँ हर एक में है। 15-16 साल के लोगों में डिप्रेशन हो रहा है। मतलब हम आए कॉलेज यहाँ पढ़ने, गाजियाबाद में हम पढ़ रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी छोटे शहर से हम बड़े शहर में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि 18 साल की जिंदगी को 10 मिनट तुम बता नहीं सकते, इसलिए टाइमर शुरू किया। अभी आए हैं, अगली बार फिर आएंगे, बेसिक सी बात है, कहानी सुनाने आए हैं, और इसीलिए तालियों की या आवाज की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको बोलने का, हम बोलने पर रुक जाए तब है, ठीक है। ये वीडियो ना दिख जाए किसी को कि ये लौंडा यहाँ आके परफॉर्म कर रहा है, क्यों? अरे भाई करते नहीं है कोई हमारे यहाँ से। किसी को दिख गई, रिश्तेदार को, दोस्तों को, पूछोगे जाके कौन है? अरे बहुत सीधा सा व्यक्ति है, कुछ नहीं करता है, आराम से रहता है, शांत स्वभाव का है। पता चल गया ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारे गर्लफ्रेंड पे, ठीक है। नहीं बनी नहीं ना, अरे काल्पनिक भी नहीं है, अरे ना वो भी नहीं है, पसंद आई थी हमको जब कॉलेज में आए थे, लेकिन हमसे बड़ी थी, कोई और उड़ा ले गया, उड़ा भी कोई नहीं ले गया, वो आउट ऑफ रीच थी इसलिए, ठीक है। सपने औकात से बड़े देख लिए, अरे क्या बात कर रही है, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ का जो ये था ओपन माइक, वो उन्हीं दीदी ने भेजा था जिन्हें हम पसंद करते थे, ठीक है। अब हम गए गाजियाबाद पढ़ने, हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है, था हमारा उनपे क्रश और बोल दिया उन्हें दीदी। कॉलेज में गए, बस में जाते थे, दीदी आती थी, बहुत अच्छी लगती थी। हमने पहले आज तक किसी को पसंद नहीं किया, 12वीं कक्षा तक हमने किसी भी लड़की पे ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि इन चीजों में ना केस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। छपरी लौंडों पे इतनी जल्दी नहीं होंगे, ठीक है, अमीर लौंडों पे भी नहीं होंगे, जो सबसे सीधा होगा ना, उसने जरा सा फ्लर्ट किया नहीं कि उस पर तुरंत केस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन। क्या, अरे रक्षाबंधन आ तो रही है, टेंशन का कम से कम सैया नहीं बन पाया, भैया तो बन ही जाएंगे। तो आगे बढ़ते, कॉलेज गए, दीदी देखी, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दिया। हुआ कुछ यूं कि अब दीदी हैं बड़े शहर की, हम इतना कर नहीं सकते, क्यों? सीधी सी बात है, बड़े शहर के लोगों से जितना ज्यादा घुलना मिलने का प्रयास करोगे ना, उतना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आओगे। कम्फर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कि अपनी बातें खोल के रख दोगे, मजाक बनाने में मजा तो आता नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यही है, दूसरों का मजाक बनाना बहुत आसान है, तुम्हें अपना बना के दिखाओ, अपनी जिंदगी से लोगों को हंसा के दिखाओ। अरे यही तो चाहिए हमें बीच बीच में, क्या है ना, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ अच्छी बात है। आगे बढ़ते, अब हुआ यूं कि हमें नहीं पता था ये सब कुछ इतना होता है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस करना है यहाँ पे नहीं, कॉलेज में भी सोचा था, लेकिन वहाँ पे एक क्लब है, 21 क्लब है लगभग, भाई इतना सब होता है यहाँ पे, सब कुछ अलाउड है, कैसे भी आ सकते हो। हम गए कॉलेज में, एंट्री करी, सबसे पहली कॉलेज में लिफ्ट थी, हमारे यहाँ केवल मॉल में होती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में लिफ्ट नहीं है हमारे, यहाँ पे कॉलेज में लिफ्ट है। एंट्री करी, भगवान जी की बढ़िया सी इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने देखी नहीं है, फिर भी वो देख के फील आ गई कि हाँ ये बढ़िया सा कॉलेज है, जिंदगी में जो ना कर पाए अपनी 18 साल की वो यहाँ आके कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चीजें शुरू हुई, तुम्हें क्या लगता है हमने दीदी से कभी कुछ कहा होगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या श्लोक है, क्या श्लोक नहीं है, एक कहावत है कि आप जिस चीज को ज्यादा चाहो आपको कायनात मिलाने लग जाती है। हमने इतना नहीं चाहा था, भैया दीदी है
ऐसे कैसे चाले। इंट्रोडक्शन हुई तो दीदी ही बोल के चले आए। बस में जाते हैं तो हम सीट पे बैठते थे और दीदी आ गई हमारी, क्योंकि खाली नहीं थी कोई भी सीट, और दीदी हमारे बगल में बैठी है। जैसे अभी हमारे पसीने आ रहे हैं, उस टाइम पर भी इतने ही पसीने आ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या है कि हम जिस शहर से हैं, अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी हो तो पता होगी महादेवी वर्मा के बारे में, ठीक है? बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, मतलब कवित्री है ना। तो श्री महादेवी जी हमारे यहाँ भी जन्मी है, हमारा इतना बढ़िया शहर, और जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा आर्मी कैंट है, सबसे पुराना राजपूत रेजिमेंट। तो ये हमारे शहर की खासियत है। अब यहाँ पे इसका क्या रिलेशन था, ये बात हमने क्यों बताई? ये बात हमने इसलिए बताई, ये मत सोचना कि हम गाँव से कतई चूतियाँ, ऐसा नहीं, गाली वाली नहीं देने आए। अगर जो सोचो कि हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम गाली देना शुरू कर दें, ना ना ना। हम अब बात आगे बढ़ती है, पसीना बहुत आ रहा है, उतनी तो हमें टेंशन यहाँ वालों से, जितनी यहाँ पे खड़े लोगों से हो रही है। स्ट्रेट ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ हमें दिख ही नहीं रहा है, रोशनी इतनी पड़ रही है, यहाँ स्ट्रेट दिखता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और तालियां बजाने का तो कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कहानी बतानी है अपनी। चीजें आगे बढ़ी, दीदी बैठी थी और हम जा रहे थे घर। दीदी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा आर्यन गुप्ता। जैसा अभी तक देखा होगा हमने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, यही है हमारे यहाँ कि हमें हिंदी ज्यादा पसंद है, और हम पढ़ते हैं क्रिश्चियन स्कूल में। तिलक भी देख रहे हो, ठीक है? लड़कियों का श्रृंगार मेकअप होता है, लड़कों का श्रृंगार ये तिलक होता है। जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, अब हम पढ़ते थे क्रिश्चियन स्कूल में, अलाउड था नहीं है सब। हिंदी की मैम आके, जो कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आके बोल रही बेटा ये सब अलाउड नहीं। हमने कहा मैम क्या मतलब, मैं इंग्लिश में बोलूं या क्या ऐसा? उन्होंने कहा ना, तिलक अलाउड नहीं है, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ये सारी चीजें अलाउड नहीं। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। आज कम से कम ये तो कह सकते हैं, जब कॉलेज में आए थे तो रैंप वॉक होती है, हमने जिंदगी में लड़की को नहीं छुआ, हाँ नहीं छुआ, मम्मी को छुआ, ठीक है? हम यहाँ पे आए हैं, हमें दो लड़कियां ऐसे करके स्टेज पर जाना है सबके सामने, दो लड़कियों के साथ, और अपना इंट्रोडक्शन देना है। फटी पड़ी है हमारी, सारे बच्चों ने इंग्लिश में बढ़िया से अपना प्रिपेयर किया कि हेलो माय नेम इज दिस एंड मेरी हॉबी ये है, ठीक है? हम गए, मिली, और वो भी मिली हाइट से ऊंची, इतनी हाइट होने के बाद भी हमें मिली 6 फीट की लड़कियां, और सबसे आखिरी में हम, पता नहीं क्यों, ठीक? गए पहुंचे, अब सब इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन, मेरा सबसे लास्ट में आया। हमने कहा हिंदी पसंद है, कुछ तो कर ले जीवन में, बड़े शहर में आए हैं, इकलौते थे हमने हिंदी में इंट्रोडक्शन दिया, और आज हमें इस बात का गर्व रहेगा कि कॉलेज में जो हमारा बैच है वो हमें इसी नाम से जानता है कि हिंदी में बोलने वाला लड़का है। एटलीस्ट कुछ तो इज्जत बना ली हमने, और यही कारण है कि आज, यही कारण है कि आज हम उन मैम को बता सकते हैं कि मैम जिस चीज से आप हमको रोकती थी ना कि हिंदी ना बोलो अंग्रेजी बोलो बढ़िया लगता है, और बड़े शहर ने उसी चीज को प्रमोट किया है कि हिंदी ज्यादा बोलो क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है, ठीक है? जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं सिर्फ गाली देने के लिए, तो बुरा लगता है। अब बात आता है टॉपिक पे, गर्लफ्रेंड वाले टॉपिक पे। अब दीदी क्रश है हमारी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जाके अप्रोच करें, क्योंकि नहीं होता है। हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान बहुत है, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतना रेप केसेस नहीं आते, लेकिन मर्डर केस बहुत आते हैं, बहुत, हर गली में मिल जाएगा तुम्हें, इतना मर्डर केस आता है, ठीक है? तो अब हमारे घर में कह लो, हमारे दादाजी की 7 लड़कियां हैं, समझ रहे हो? 7 लड़कियां उस जमाने में जब भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, सोचो बच गई 7 की 7 लड़कियां, और सब है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से 2 बुआ PhD करे हुए हैं, एक बुआ ने डबल एमए, यानी कि 2 बार ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, एक बुआ स्टेट लेवल की हॉकी चैंपियन है, इतना पढ़े लिखे हैं ये लोग। दादू ने सब दे दिया उन्हें, संपत्ति जायदाद शिक्षा, बस संस्कार देना भूल गए, ये कह सकते हैं। क्यों? 18 साल की उम्र में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, बड़े शहर के हैं। हमने जो देखा है अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे फिर मजा क्या रह जाएगा, टॉपिक कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं, अगली बार जब आएंगे दोबारा, ये मजा आया भाई, इतनी ऑडियंस है, जानते हो नहीं हम है कौन, कहाँ से आए, क्या खड़ लोगे हमारा, कैमरे में भी वीडियो मिल जाएगी तो हम तो डालने नहीं वाले कहीं पर, जो अपना प्रमोशन करने के लिए आए ना। तो अगली बार आएंगे तब सुनाएंगे इस टॉपिक के, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, गलती से भी कहीं किसी के पात्र जुड़ गए और किसी ने क्लेम कर दिया कि नहीं तो हमारे बारे में बात कर रहा है, तुरंत केस हो जाएगा। अभी वैसे ही 3 केस चल रहे हैं उन पर, सिविल वाले, क्रिमिनल नहीं, हम सिविल के हैं, ठीक है? सिविल का समझते हो ना, जायदाद संपत्ति वाले, ठीक है? हाँ, तो वही चल रहा है। 18 साल की उम्र में आप लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ा होगा, अंग्रेजी में ना जाने क्या क्या चीजें करी होंगी, टाइमर भी देखते चलते हैं, 10 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट का टाइम दिया गया था। बात अपने टॉपिक पे आते हैं, हुआ कुछ यूं, दीदी हमने, हमारे कोर्स में सबसे खतरनाक कोर्स है MIB, 2.5 लाख रुपए फीस है उसकी 1 साल की, और उसकी मतलब उसमें जो लौंडे पढ़ते हैं सबसे खतरनाक होते हैं, उन लौंडों के पास भटकने की कोई सोचता भी नहीं है, हम है BSc के,
दीदी विज्ञान भवन गई थी और उनके साथ घूम रही थी। हमने कहा नहीं है, हम ऐसे अकेले ठीक है, ये इतना कर लिया ना, अगर इसके बाद हम चले गए दीदी के पास और हमने कह भी दिया ना दीदी क्या कहेंगे हम कि दीदी हम तुम्हें पसंद करते हैं, दीदी कहेंगे दीदी भी बोल रहा है पसंद भी कर रहा है, छुट्टिया है क्या। इसीलिए उस दिन के बाद से हमने सब छोड़ दिया। उसी दिन के बाद से ये हुआ कि जब हमने इंटर्नशिप शुरू करी थी, फोन बज गया, इंटर्नशिप शुरू करी फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई, बहुत बढ़िया बात है, हम बन गए टीम लीडर सिर्फ हमारी भाषा को लेकर, वो भी ऐसे कंपनी में जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है, वहाँ पर हम बन गए हिंदी में टीम लीडर। वहाँ पर टीम लीडर हो, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से बातें होंगी, तब हमको जाके पता चला कि हम क्यूट भी दिखते हैं, जिंदगी में किसी ने नहीं बोला था, मम्मी के अलावा नहीं, घर वालों ने भी नहीं बोला था, हमारे पापा को हम पे भरोसा है, क्योंकि जब भी मम्मी कहती है कि ये फोन पे घंटा बात कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गर्लफ्रेंड हो उसकी, तो पापा कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, इसकी गर्लफ्रेंड बन गई ना, तो मान के चलो जितने लौंडे अपने रोड पे घूम रहे हैं उन सबकी गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी सबकी शादी हो जाएगी तुरंत ही तुरंत। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये जनरल स्टोर ठीक है हमारे घर में, वहां पर क्या पापा चॉकलेट रखते हैं 180-200 तक की जाती है। हम जब टैक्सी में स्कूल जाते थे तो हमसे बड़ी दीदी हमसे कहती थी आर्यन अगर तो मुझे डेरी मिल्क, फरेरो रोशर नहीं आती थी हमारे यहाँ ठीक है, डेरी मिल्क सिल्क एंड नट्स वाली ठीक है, वो 120 रुपए की है, अगर तुम मुझे खिलाओगे तो मैं तुम्हें किस दूंगी। वाइल्ड नहीं हो रहे हैं हम, है बनिया, क्या है यूपी के बनिया, और यूपी के बनिया होश में काम लेते हैं, जोश में नहीं भागते हैं ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है जोश में ज्यादा काम लिया जाता है। हम देख ही लिया पहले अभी के परफॉर्मेंस में बुरा मत लगाना ठीक है, अरे आप तो आगे बैठे हैं भाई जान। तो हमने कहा ऐसे कैसे खिलाते हैं, तो पापा जानते थे क्योंकि तभी की बात थी, तो पापा कह रहे हमें पता है इसने क्यों नहीं खिलाई, तो मम्मी ने पूछा क्यों, और ये बात हम दरवाजे के उस तरफ खड़े सुन रहे हैं कि जो चॉकलेट इस खुद के लौंडे ने नहीं खाई है वो ये किसी और को कैसे खिला देगा, बनिया है भाई हमारा ही लौंडा ऐसा थोड़ी ना कर लेगा। अब ये बात दीदी को पता नहीं थी, हमने दीदी से कहा कि दीदी नहीं खिला सकते, अलाउ नहीं करेंगे पापा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इसी कारण तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हमने कहा दीदी बात तो है ही नहीं, अगर ऐसा होता कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं इस टॉपिक के लिए तो रिच नहीं हम नहीं है, हमारे घर वाले हैं, हमें एक रुपया नहीं मिलने वाला, अगर रुपया मिलना होता तो हम यहाँ आके ये सब घंटा नहीं करते, मजे से जिंदगी जी रहे होते, अपने फरुखाबाद में होते, अय्याशी नहीं कर रहे होते, ना हम छपरी हैं ना हम टेढ़े लौंडे हैं और ना ही वो नहीं केटीएम वाले होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। केटीएम से एक बात याद आई, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी बता देते हैं, हमारे पास प्लैटिना है, प्लैटिना जानते हो ना 2009 की, हमारे केटीएम वाले लौंडे जैसी लड़कियां दिखती है भूम करते हुए जाते हैं, हमारी प्लैटिना है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे हमारी कलाई देख रहे हो, इतनी पतली कलाई से मतलब इससे ज़्यादा पतली कलाई वाला अगर कोई लौंडा मिल जाए तो हमें बता देना, किसी की नहीं होगी इससे पतली कलाई, इसी कारण तो देख लो ना सबसे अलग हम यहाँ जितने हैं सब ताकतवर हैं, हम अकेले इतने पतले हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। कभी लड़ाई हुई तो कहते थे भैया कमजोरों पर अत्याचार नहीं किया जाता, और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती, कैसे कर लोगे आके। इसीलिए कहते हैं जोश नहीं होश में काम लेना चाहिए। तो केटीएम और प्लैटिना की बात कर रहे थे, हमें पतले यहाँ पे आए तो मौसी कह रही आ रहे तुम बहुत पतले होते जा रहे हो, तुम्हें तो कोई फूक मार के उड़ाते, हम झेल लेते, हमने कहा मौसी पर उड़ाओ तो सही, अरे चलने में क्या मजा है, उड़ने लगे तो भाई मजे ही आ जाएंगे, दुनिया के मजे आ जाएंगे। लेकिन नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा, क्या ट्राई मत करने लग जाना कि फूक मारो मर जाए, नहीं इतना नहीं। यहाँ पे आप प्लैटिना की बात अप्लाई करते हैं, प्लैटिना पे अगर कोई वजनदार व्यक्ति बैठे तो थोड़ा कम होता है, हमारा वजन ही नहीं पता चलता है, 60 की स्पीड में दौड़ाते हैं वो 70 पे जाती है, यही कारण था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है केटीएम वाला 60 पे चला रहा है ठीक है, वो 50 पे चला रहा है, हमारा वजन इतना है नहीं तो पता चलेगा। हमने हल्का सा एक्सेलरेटर दिया और वो केटीएम से आगे निकल गई, ये केटीएम वाले को हजम नहीं हुई। हम कभी भी किसी लड़की को देखे हूं नहीं करते, मजा नहीं आता ना, क्या ही फायदा, लड़कियां बाद में कहती हैं और इतने चूतियां होते हैं लौंडे की हूं करेंगे भैया देखोगे कैसे, फिर तुम इतनी तेजी से निकल ही जाओगे फिर पता कैसे चलेगा तुम्हें कौन है, इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं सबसे मेन चीज। अब यहाँ पे क्या है, हम प्लैटिना हूं करते हैं एक जगह पर, बहुत मजा आता है, हमारे अंकलों की गफलिया बैठती है, गफलिया मतलब जैसे लोग बैठे हैं पंचायत बैठती है, पंचायत यानी गांव वाली पंचायत नहीं, ऐसे ही बैठ जाते हैं तंबाकू खाते हुए, हमें मजा आता उनके सामने मुंह करने में, घर से निकले अंकल लोग बैठे हैं, बाइक नहीं करी है पहले ही गियर है पूरी दबा दी करते हुए, क्यों जब तुम्हारा लौंडा हमारे यहाँ से निकल के जाता है केटीएम पे हूं करते हुए तब मजा नहीं आता तुम्हें, तब तुमने कभी नहीं रोका, अब हम करके जा रहे हैं। एक बार अंकल जी यहाँ कह रहे हैं हमारे पापा से शर्म नहीं आ रही है तुम्हारे लौंडे क्या कर रहा है, हमने कहा गलती क्या कर रहा है, क्या गलत कर दिया इसने,
तो बोलते हैं कि हूं करके जाता है, तूने कौन सी लौंडिया पटा रहा है भाई। यही इसी बात से हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे कि गर्लफ्रेंड के टॉपिक में ना दीदी मिली और हमें अब चाहिए भी नहीं। अच्छा हुआ हम पहले ही दूर हट गए, क्यों भैया आप लोग क्या जरा सा कुछ हो जाए आप लोग को डिप्रेशन को जल्दी आता है पता नहीं कैसे। हाँ असली चीज़ है डिप्रेशन मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में डिप्रेशन ले आते हो यार। हमारे यहाँ आओ डिप्रेशन छोड़ो सिविल केस मिलेंगे बहुत, इतने इतने केस मिल जाएंगे डिप्रेशन सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए कहना चाहेंगे, शायरी नहीं बोलने वाले जो सोच रहे शायरी बोलेंगे ना, अरे ऐसा होता तो कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर। तो बस इतना ही कहना है और कुछ कहें? हाँ ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगली बार जब हम आएंगे तो पूरी कहानी कह के आएंगे, क्योंकि क्या ना ये वीडियो अगर किसी को मिल गई, किसी को भी मिल गई, हमारे घर वाले या रिश्तेदार या दोस्तों को भी, तो बवाल मच जाना है। इसीलिए पहली बार था, इंट्रोडक्शन करा, चीजें बताई, जा रहे हैं अगली बार आएंगे थोड़ा जोश के साथ आएंगे, ज्यादा चीजें बताएंगे, क्योंकि ना तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे ना तुम्हारा कुछ उखाड़।